जय हिंद दोस्तों, ये ओबराय डेयरी है ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब। जो खरीददार हैं किसान आंध्रा से हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ कहना चाहेंगे कि हमारे हाथ में ये किताब है और जो यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आ जाते हैं उनको हम ये मुफ्त में देते हैं। किताब बहुत महंगी है लेकिन जो मंगवाते हैं उनसे खर्चा लेना होता है। इसमें प्रेमेंद्र ओबराय कालू जी हैं और बहुत से लोग हैं जिनकी जवानी इसमें छापा गया है। गायों की बीमारियों के, पशुओं की बीमारियों के संबंध में वो बातें जो सेमिनार में यूनिवर्सिटी के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा कही जाती हैं इन लोगों ने सुन के नोट की होती हैं, वो हम इसमें बताते हैं। जिसके बाद ये किताब है, मैं समझता हूँ कि वो आधा डॉक्टर वैसे ही बन जाता है। तो आप भी इसको ले सकते हैं, जब यहाँ आएंगे तो आपको फ्री मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र रेड्डी। नरेंद्र रेड्डी आंध्रा से? तेलंगाना। तेलंगाना। कितना पढ़े लिखे हैं? 10 पढ़े। कितनी खेती है? 8 एकड़ है। कितनी गाय ले जा रहे हो? 5 ले जा। कितने पैसे लगे? 1 लाख में एक आने। अच्छा, तो ब्याज पे लिया पैसा अपना? हाँ। खुद का पैसा है कि लोन करवाया? खुद का पैसा। पहले है गाय? पहले। जानकारी रखते हो? गाय के बारे में जानकारी रखते हो आप? हाँ रखते हैं। तो ये गर्मी का मौसम तो ना, इधर ठंडा है, वहाँ ठंडा है, लेकिन रास्ता गर्म होगा इसलिए कच्चा गाय लिया ना इन्होंने। अच्छा, सात महीने का। आपका क्या नाम है? राजेंद्र रेड्डी। राजेंद्र रेड्डी, आप कितना पढ़े लिखे हैं? डिग्री तक पढ़ा। डिग्री की है? तो कितने पशु रखते हो वहाँ पे? ज्यादा रखता है, मगर अभी चालू हो गए 22 से पहले। खेती 8 एकड़। अच्छा, तो पहले पशु है? हाँ पशु है, हरियाणा से। क्या रेट बिकता दूध? वो गाय का 35 से 40 तक होता। हरियाणा से लेकर? भैंस लेके जाए हरियाणा से। भैंस ले गए? ठीक निकली वो? हाँ ठीक है, मगर वो डेयरी को भेजे तो दूध का रेट कम था ना डेयरी में। अच्छा, इसलिए गाय वो भैंस बेच के वो गाय ले रहा है। अच्छा, क्योंकि भैंस का दूध का रेट कम है। हाँ। 50 रुपए के अंदर पड़ रहा है इसलिए वो पड़ता नहीं खाता ना, और गाय का रेट 40 रुपए लग रहा है, 38 से 40। तो भैंस को सेल करके गाय का फार्म। पहली बार आए इनके पास? पहली बार। कैसे बातचीत हुई? अच्छा, वो यूट्यूब, तुम्हारा यूट्यूब चैनल से? यूट्यूब आपके माध्यम से? माध्यम से। चलो ये गाय की बात हम करें बाद में, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास ज्यादातर लोग जो है वो आते भी नहीं है, तुम वैसे भेज देते हो, तो कैसे तालमेल बिठाते हो? तालमेल ऐसा है कि अपना जैसे विश्वास बन जाता है। अब जैसे ये खुद लेके जाए, अगर ये गाय अच्छी निकलेगी तो उनको पता है यार आदमी सही है, तो ये कल को ये नींद आएगा, ये बोलेंगे भाई 3 गाय 4 गाय मेरी भेज दो, तो वो ऑनलाइन में हो जाती है ऐसे। अब वहाँ तक पहुँचना तुम्हारा क्या योगदान रहेगा? योगदान तो देखो जी, सबसे पहले तो शुरुआत होती है सिलेक्शन के ऊपर, गाय की सिलेक्शन के ऊपर। गाय तो उम्र वाली नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट उम्र में होनी चाहिए। अच्छा, ये अगले में करते हैं बात। ये जो गाय घुमाई है तो ये कितनी उम्र की है? ये अंदर अभी 3 साल के आसपास की है, 4 दांत है। पहली बार भी आई? पहली बार, सभी पहली बार ही दी। अच्छा, तो कितना समय बाकी है इसका? समय अभी 2 महीने के लगभग, 2 महीने से थोड़ा ऊपर, 6.5 के ऊपर। कितना दूध दे देगी? दूध पहले बेहतर में इसको देना चाहिए 37 लीटर तो उनके उधर। इन्होंने लिए? इन्होंने लिए। तो कितना समय बताया इसको? 2.25 महीने। 2.25 महीने। तो ये रास्ते का जो है स्ट्रेस झेल जाएगी बड़े आराम से? आप देखो गाय मजबूत कितनी। अच्छा, यंग है ना, अभी 4 दांत अंकल है, अभी इनके अंदर ब्लड की जो मात्रा है वो अच्छी है। और दूसरा ये है कि इनको गाड़ी भी हमने बड़ी करके दी है। बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी में क्या फर्क रहता है? थोड़ा अंकल जी झटका कम लगता है, जैसे गाय स्ट्रेस में कम आती है। 6 चक्का गाड़ी होती है उसमें थोड़ा उछाल बंप ज्यादा होता है। जो नीचे मिट्टी डालते हैं, रेता डालते हैं, तो गर्म हो जाता होगा?
नहीं वो ठंडा ही रहता है, ठंडा रहता है, ठंडा रहता है क्योंकि गाय भी पेशाब करती रहती है ना। हाँ पानी भी डाल देते हो? पानी तो अभी भरने से पहले पानी डालते हैं तो ठंडा रहेगा, वो ठंडा रहेगा पूरे वहां तक पहुंचते पहुंचते। हाँ जी अभी जैसे गाड़ी लोड करनी है उसमें हम 10 बाल्टी लगभग पानी डालेंगे। हाँ उसके बाद फिर गाय लोड हो जाएगी, उसके बाद ये खुद भी पेशाब करती रहती है रात को। ठंडा रखने के लिए रास्ते में पानी डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं, वो तो काफी कंट्रोल करता होगा टेम्परेचर को, वो करेगा ही ना। वो तो देखो जैसी बात है जब हवा चलती है तो नीचे से जो क्योंकि गर्माइश नहीं निकालेगी वो ठंडा ठंडा पन जा रहा छोड़ेगी। तो ये कितने दाम की है? ये 1,11,000 की दी है। 1,11,000 इनको 11 गाय समझो 11 लाख के आसपास पूरे 11 लाख की बने। 11 लाख की? हाँ जी 11 गाय। हाँ जी 1,000 कम बने 11 लाख, उसमें हमारी कमीशन लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह सब आ गए 11 लाख की। ये दूसरे नंबर पर आ गई। हाँ तो ये कितने दिन में आपके वहाँ पहुँच जाएंगी? लगभग 4 दिन में। तो भाड़ा कितना लगा? 1,30,000। 1,30,000? 1,30,000। कितने किलोमीटर पड़ता है? 2,400 का होता है। नहीं 2,000 के आसपास। हाँ 2,100 2,100 किलोमीटर। तो कल ये जो दिखा रहे हो ये कितने क्या दाम की है? ये 1,05,000 की बछड़ी है जी। हाँ बछड़ी? हाँ जी बछड़ी अभी खीरी है जी। हाँ दूध दांत में अभी निकाल ली दो दांत। हाँ जी अभी निकाल देंगे। तो कितना दूध दे देगी ये? लगभग दूध इसका देना चाहिए 34 से 35 लीटर। कितने समय की प्रेग्नेंट है ये? इसको अभी समझो 35 से 40 डेज। इसकी माँ का रिकॉर्ड है? माँ का रिकॉर्ड है जी 57 लीटर है और इसका खुद का भी है। एक मिनट ये अपना खुद मिल्क की आगे सेक्सर जुपिटर लगा हुआ है ABS का। अच्छा हाँ जी इसको। हाँ जी हाँ जी। तो इसकी माँ का रिकॉर्ड बताया 57 लीटर। इसका क्या उम्मीद करते हैं? इसका अभी वही 34 के आसपास, अभी उम्र छोटी 30 से ऊपर देगी। हाँ जी 1,05,000। 1,05,000। तो तुम्हारी मार्फत हम इनको जानकारी देना चाहते हैं क्योंकि हमारा मतलब है कि सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, अपनी वीडियो के मार्फत हम समझाना चाहते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए। तो कैसी गाय ले जाई जाए आजकल गर्मी के मौसम में? तो लोग मना करते हैं नहीं गर्मी में अंकल जी अगर लेके भी जाना है जिसमें एक तो थोड़ा कच्चा होना चाहिए क्योंकि 8 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट होनी चाहिए, 8 महीने से कम कम क्योंकि अपना जो ऊपर की रहती है फिर वो रास्ते में बच्चा दे देती है फिर वो थोड़ा उसको सेटिंग करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा तो और कच्ची होनी चाहिए, थोड़ा यंग गाय होनी चाहिए, 2 दांत 4 दांत होनी चाहिए गाय, और दूसरा उनकी जो बोन्स है वो अच्छी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, लेग्स लेग्स कोर अच्छे होने चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। मतलब अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर थोड़ा परेशानी होती है। परेशानी तो तुम्हारे पास जैसे आते हैं लोग तो फिर दोबारा नहीं आते। हम उस व्यापारी को अच्छा मानते हैं या तो जिसके पास बार बार आए, जहाँ मतलब कि विश्वास से मंगा लें और बहुत पुराने जुड़े हैं। तुम्हारा ऐसा व्यवहार है तो आंध्रा में कितने लोग हैं ऐसे तुम्हारे साथ? आंध्रा में मेरे ख्याल में काफी लोग हैं इनके उधर, मेरे ख्याल में 12-13 लोग मेरे काफी। तो तुम इन लोगों को सलाह नहीं देते कि गर्मी में मत ले जाओ? नहीं बोला था पर जब इनको दूध की जरूरत है उधर भैंस बेच दी है, अभी समझो रेट भी कम है, यही थोड़ा ठंडी में यही गाय अपने को 20 से 25 हजार महंगी मिल सकती है, रेट कम है और चीजें अच्छी है तो यंग चीज है, बाकी मेरा आदमी अच्छा है लेके जाने में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रीड में है? फुल ब्रीड में। 4 दांत कर रही है? 4 दांत। कद बहुत है? कद फिर 4 दांत है तो हाइट तो। कितनी देर की है प्रेग्नेंट? ये 7.5 महीने की है। 7.5 महीने? हाँ जी। तो अभी 2.5 महीने पड़े हुए? डेढ़ महीना पड़ा। हाँ जी वो भैंस लेगी ना 10 महीने भैंस लेगी। अच्छा गाय 9 महीना। कितना दूध देगी? दूध पहले बेहतर में इसको उम्र के हिसाब से 35 लीटर वाली तो आराम से देना चाहिए कम से कम। माँ का क्या है? माँ का रिकॉर्ड अच्छा है 40+ है। अच्छा हाँ जी। तो हमने बाकी इसके ब्रीड भी देखा, आप देखो ना ट्रैक्टर कितने अच्छे हैं, लंबाई लंबाई भी बहुत है, चमक है, पसलियों में गैप अच्छा है जी, रोमन बड़ा है। सब जो पहले दिखाई है सबसे ज्यादा क्रेडिट इसमें नजर आ रहे हैं। हाँ जी ट्रैक्टर क्या दाम की है? ये पूरे 1,00,000 की ली है जी। 1,00,000? हाँ जी पूरे पूरे में। अच्छा पूरे 1,00,000? पूरे 1,00,000। तो तुमने कालूई ने बहुत देसी नुक्ते बड़े सांझे किए हैं जो इस डेयरी फार्मिंग में काम में आने वाले हैं।
चमक की बात बता दो क्यों आती है ज्यादा चमक। अगर आपकी फीडिंग अच्छी है, अगर आप फीडिंग अच्छी कर रहे हो उसका, पशु का, गाय का, आप अच्छा ध्यान दे रहे हो, तो चमक तो आनी आनी है। तेल लगा के चमक नहीं आती, तेल तो चमक अंदरूनी होती है। देखो आपकी भी उम्र 70 साल से ऊपर आओगी मेरे साथ, आपके फेस की चमक देखो, इनकी देखो, ये 40 है, 45 है या 40 के आसपास है, आज 70 के आसपास है। खाने पीने का थोड़ा फर्क रहता है ना भाई, हम जो वीडियो बनाते हैं हमारा बनाने का मतलब ये है कि जो लोग इस काम में आना चाहते हैं तो वो पूरी तरह ट्रेंड होकर के आए, बड़ी बड़ी गायों को हाथ ना डालें, जिन्होंने मुकाबले के लिए जाना है वो अलग बात है, वैसे आप 5-6 लाख 7 लाख ऐसे आंखें नाचो ध्याएं घाटा खा जाओगे, और एक बार अगर झटका लग गया तो फिर रास नहीं आए। इनकी अंकल जी एवरेज माफ करना, इनकी एवरेज ठीक है ना 1 लाख रुपए के हिसाब से नई चीजों में, इसमें आदमी नुकसान तो नहीं खा सकता। आप रोज इतनी वीडियो बनाते हो ऐसी बछड़ियों के हिसाब से, सही है, रास्ते के ऐसे बचे रहेंगे तो सक्सेस है। और कई लोगों को ऐसा होता है कि उन्होंने गाय रखी नहीं होती है, वो बातें सुन लेते हैं कि इतना दूध देगी इतने पैसे आ जाएंगे, और वो पैसे उठा के चल पड़ते हैं, गाय ले जाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, फिर वो दोष देते हैं कि हमने वीडियो देखी थी या इसने हमको दूध लिया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ समझा ही सकते हैं ना, हम कहते हैं कि ऑनलाइन से गुरेज करो, फिर भी लोग ऑनलाइन पैसे डाल देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा मामला निपटा दो। भाई जिस आदमी को तुमने देखा नहीं है, तुमने गाय नहीं देखी है, तुम उसको पैसे भेज करके फिर कैसी बात करते हो, हम मना करते हैं इस काम के लिए। एक नंबर दो नंबर एक साथ लगा, इसकी खूबियां तुम गिनाओगे या मैं गिनाऊं? आप गिनाओगे, तुम ज्यादा अच्छे रहे। ऑर्डर के जो है चारों प्रकोष्ठ अलग अलग दिख रहे हैं। हाँ जी, पहली भी आता है, पहली भी आता है, दो दांत है, दो दांत है, अभी दूध है इसमें जो 25 लीटर, और पीछे से जो बोन है वो पूछ के पास से उठी हुई है। हाँ, ये भी ब्रीड की पहचान, फुल ब्रीड की। माथा, माथा ऊपर फूल दिखा रहा है, ब्रीड की पहचान। कान छोटे हैं, हाँ, तो ये सब ब्रीड की निशान भी है जी, आप सब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं जानता, पूरा नहीं जानता, तो ये ब्रीड की पहचान है। क्या दाम रही कल? ये अभी 25 लीटर दूध अंकल, ये लिए हमने 95 की, 95,000। हाँ जी, पहले इसका सौदा था हमारा 1 लाख, तो तुम तो बता रहे थे 1 लाख की। नहीं मैं बताता हूँ, ये हमारा सौदा था 1,30,000 का। अच्छा, हाँ जी, गाबन के हिसाब से 4.5 से 5 महीने की गाबन करके ली थी। उसके बाद जब हमने इसको चेक किया गया था तो ये खाली निकली थी, यहाँ आके खाली निकली, खाली निकलेगी, तो उन्होंने उन्होंने प्रेग्नेंट बताया था। हाँ जी, अगर प्रेग्नेंट बना। अच्छा, और फिर इसको हमने 35,000 कम करके 95 में रखा। अब 35 करने से इनका जो घाटा पूरा हो जाएगा बड़े आराम से जी, दूध है ना इसके अंदर, दूध में ये मक्की अभी भी 1 साल तक दूध दे सकती है, और घर पे जाते ये दोबारा प्रेग्नेंट भी करा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, कोई बड़ी बात नहीं। और ऐसी ब्रीड में अगर ऐसी खाली बछड़ी भी लेने जाए ऐसी ब्रीड में, हाँ, तो कम से कम 70,000 से कम नहीं मिलती अगर खाली भी नहीं। अच्छा, और ये तो फिर दूध दे रही है अपने पास 26 कौन से सुबह 13 लीटर दूध दिया इन्होंने देखा सुबह, कौन से सीमन की है ये? खुद तो अपना स्टोइक की है, और इसको 99 नंबर है, इसको वर्ल्ड वाइड का एडम लगा हुआ था पर वो खाली निकल गया सीमन। माँ का नहीं नाम दिखा। अच्छा, अब जब दोबारा सीमन रखेंगे, हाँ जी, तो बार बार सीमन रखने से इस पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, कोई नहीं। जब हीट में बच्चा इसका, क्योंकि अभी जब हमने चेक भी कराया तो बच्चा का नहीं, इसकी बहुत अच्छी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी कंडीशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चेदानी का अच्छा होना मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ, वो तो करता ही, क्योंकि बहुत अच्छे फार्मर से लिया है, ये नहीं है कि हम ये घर पे बैठे थे, हमने खुद लेके लिया, ये खुद मेरे साथ ही घूमे, 2 दिन में हमने माल लिया है, और कोई भी गाय ऐसी नहीं है, फार्म सब फार्मर से ली है, और इन्होंने खुद देखा फार्म कैसा था उनके पास, सब गायें अच्छी थी, और उनसे हमने 3,13,000 की 3 गायें ली थी, जिसमें ये गाय 1,30,000 की गिनी थी हमने। अच्छा, और बाकी गाय हमने कम गिनी थी। तो इसका इसका ज्यादा दाम क्यों बता दिया? मैंने खूबियां गिनाई इसमें? नहीं, पहले गिन के लिया था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ 3,13,000 की 3 ली है, मैं ये भी बोल सकता था कि अकेली ली है, ऐसा नहीं। इसकी माँ का क्या है? इनसे पहले बात जब हमने लेने पे बात हुई थी तब इसको ज्यादा गिन के लिया था, दूसरी कम गिन के। इसकी माँ का क्या हिसाब है?
नहीं मदर नहीं, अब इसके साथ तो और भी दो गाय लिए हमने। नहीं इसकी माँ का रिकॉर्ड है, माँ का इसका खुद का रिकॉर्ड ही अच्छा है जी, मदर क्या करेंगे। दूसरी ब्याह में फर्स्ट टाइमर है जी, अभी फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइमर है, अभी 26 लीटर दूध है। इसने पीक पे कितना दिया होगा? पीक पे अपना 38। हाँ जी, हाँ जी, सजा के लाए हो 93 नंबर को। नहीं ब्रीड है ना, ब्रीड को सजाने की जरूरत नहीं, वो खुद दिखाती है। आप नीचे की वेंस देखो, क्वालिटी हर चीज का एक नंबर है। इसका पीक लेवल 34 लीटर था। अच्छा, हाँ जी, अब कितने पे? हाँ जी, अब कितना दे रही? अभी तो इसको ड्राई कर रहे हैं। ड्राई कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, अभी बस इसको इंजेक्शन हम भर देंगे। मतलब 2 महीने पड़े? 2 महीने पूरे, 28/11 की इसकी डेट है, आज 28/5 है, तो 7 महीने पूरे कंप्लीट हो गए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ पर व्यापारियों का छोटा सा लालच खरीदारों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है, जब आप इसको भेजते हो, हम उनको साथ यहाँ आंध्रा के लिए भेजोगे, तो कितना साइलेज चाहिए? साइलेज ऐसे तो इन्होंने 3 टन खुद ही लिया तो वो तो ले लिया। हाँ, तुम हमें ये बताओ कि जब ट्रक भेजना तो यहाँ से 11 के लिए कितना सेटिस्फाई रहेगा? कम से कम 8 साइलेज तो चाहिए, 8 साइलेज और 6 कट्टा तूड़ी और 2 चोकर और 1 फीड, इतना कम से कम चाहिए। भाई ये सुन लो बात ध्यान से, नहीं तो रास्ते में परेशानी हो जाएगी और आपका पशु अगर आप फार्मर की खराब भी हो सकता। फार्मर की गाय ले रहे हो तो कम से कम आपको साइलेज 8 कट्टा तो रास्ते के लिए चाहिए कम से कम। और मेडिसिन क्या क्या चाहिए? मेडिसिन तो अभी इस समय आप लिवर टॉनिक जरूरी है, एनर्जी बूस्टर जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है, और मेडिसिन में आप एसी बेड के इंजेक्शन ज्यादा से ज्यादा दो, उससे बाकी बुखार जल्दी रिलीज होता है। एसी बेड करके आता है, वो ज्यादा महंगा टीका नहीं है, मेरे ख्याल में अभी 85 या 90 रुपीज का होगा, और बाकी उसकी जो MRP कॉस्ट है वो 190 रुपये है, बाकी वो 50% डिस्काउंट में मिलता है उसका। बाकी अगर शुरू में ही अगर बुखार है गाय को, रास्ते में थोड़ा 103-104 टेम्परेचर आए तो वो तुरंत कवर करेगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने देगी गाय में, बाकी उसको कम से कम 3 या 4 घंटे में रिलाइज करेगा। और साथ में उसके आप आर्टिजोन लगा सकते हो, मैग्नोडाइन लगा सकते हो, या एंग्रोसिन, कोई भी आप साथ कौन लगाएगा लेबर जो आदमी मेरा साथ में जाए। तो आप इनको एडवाइज नहीं करते कि साथ में जाओ? मैंने बोला था इनको, पर इन्होंने टिकट अपना, इन्होंने राम मंदिर देखने जाना है अयोध्या में। हाँ। वो तो मेरा गाड़ी वाला भी बोल रहा था कि गाड़ी बड़ी भी है, एसी लगा हुआ है, आप आराम से उसमें बैठ के सो कर जाओ। एसी लगा हुआ? हाँ एसी भी लगा हुआ। पीछे भी लगा हुआ? नहीं आगे लगा, बड़े ट्रक पीछे हवा दे सकता? नहीं पीछे नहीं दे सकता। अच्छा, हाँ जी, तो वो इन्होंने बोला कि अयोध्या होके जाना है, तो इसलिए मैंने तो इनको पहले ही बोला, अगर मैंने ना बोला हो तो आप देखो रेडी जी, बात आपको बोला कि जितना आप अपने पशु को आप संभाल लोगे ना, तो फिर दूसरा कहीं ना कहीं अनगहली कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर ही थोड़ा लापरवाह होता है, तो वो तेज भगा रहा है, गड्ढा नहीं देख रहा, तो आप रोकोगे उसको साथ में जा रहे हैं। अगर आप साथ में नहीं जा रहे हैं, ज्यादातर कॉन्ट्रोवर्सी का कारण ये चीजें बनती हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, जो चीजें साथ में जाने वाली हैं, जब साथ में नहीं भेजते हैं तो कुछ ना कुछ खराबी पशु उसमें आएगी। देखो अगर आपने मेडिसिन का पैसा लिया है, हाँ, वो मेडिसिन साथ में जानी चाहिए। हमने देखा कई लोग नहीं भेजते हैं, वो देखो पैसे ले लेते हैं अपनी लालच के लिए, ऐसा करें वो चीज अलग है, वही अपने थोड़े से लालच के लिए आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। वो नुकसान होता है अगर अब इनको खरीदारों को मालूम है को, देखो जी अगर ज्यादा फीवर आ गया, अपने पास बैनल का टीका जरूर होना चाहिए, बैनल होना चाहिए, साथ में एविल का इंजेक्शन होना चाहिए, ग्लूकोज ग्लूकोन डी होना चाहिए, ये चीजें तो अभी गर्मी में जरूरी चीजें है ना। ये तो मतलब अगर जैसे आपने बिल काट दिया, इनसे पैसे ले लिए, अब एक तरह का धोखा हो गया। अगर आपने नहीं दिया है तो इनको मालूम है कि नहीं दिया है, ये अपना अरेंजमेंट भी कहीं कर सकते हैं। वो तो जरूरी है। हाँ। अभी ऐसे तो हमारा था सौदा हो गया था, इन्होंने मेरे को पूरा पेमेंट डाल दिया, उसके बाद मेरे डॉक्टर ने गाय चेक की, सभी गाय प्रेग्नेंट निकली, 10-1 खाली निकल गई। मैं डॉक्टर को बोल सकता था कि इसको गाबन बोल दो, वो तो मेरी ईमानदारी है या मेरी गड़बड़ है वो तो मेरे भगवान को पता है ना, पर मैंने तो उनके सामने डॉक्टर, हम तो इधर है, डॉक्टर को बोला है जो सही है वो बोल दो, बात खत्म है। हमारी ने बोला कि ये खाली है, बाकी सब प्रेग्नेंट है। हमारी यही कोशिश है, सौदा होने के बाद ही हुआ ना, कि यहाँ पर आने वाले भी खुश होकर जाएं और यहाँ के लोगों का भी व्यापार अच्छा चले। यही बात है, इनको मैंने बोला गाय चेंज करनी कर लो, ये नहीं जबरदस्ती गाय नहीं मैं दे रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं आपके पास बैठे,
अगर आप अभी बोलोगे मैं अभी भी गाय चेंज कर दूंगा। बोला मैं, मेरे को वो चीज का कोई वो नहीं, क्योंकि फार्मर से बात हुई है, वो कहता है मेरे को वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जितने की गाय लिया और पैसा काट लो, उधर से भी कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी कोई दिक्कत नहीं। ब्रूड की है ये, एक ही फार्म में से तीन बछड़ी ली थी हमने, उनका तीनों का मतलब कान में टैग लगा हुआ है, और तीनों बछड़ी हमने 2,55,000 में ली। अच्छा, 2,00,000? 2,55,000 में तीन तीन, हाँ जी, तीनों को स्नोमैन का सेक्टर सीमन लगा हुआ है। स्नोमैन का, हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से मतलब वो फार्मर को 250 के हिसाब से मिले थे सीमन। अच्छा, तो उसने अपनी ज्यादातर बछड़ी और गाय को सबको सेक्टर सीमन ही लगाया। अच्छा, हाँ जी, ये हमने नाभा के पास फार्मर से लिए, सारी डिटेल अपने पास लिखी है। तो ये दो दांत है ये, हाँ जी। कितना समय बाकी है? समय ये 5 मंथ की प्रेग्नेंट है, हाँ जी। अच्छा, 5 महीने की, 4 महीने बाकी है। ये हर तरह से फिट रहेगी? फिट रहेगी, अभी आप बॉडी स्ट्रक्चर देखो कितना यंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक बात, अगर स्ट्रेस में आ जाती है तो कितना समय लेगी वहां जाके ठीक होने? देखो अगर हम रास्ते में कभी एनर्जी बूस्टर बराबर देता रहे आदमी जो हमारा केयर टेकर जा रहा है, अभी गर्मी है तो गर्मी में केयर टेकर की जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ जाती है, उसमें क्या है अपने को कैल्शियम भी देना है, लिवर टॉनिक भी देना है, फिर उसके बाद एनर्जी ड्रिंक देनी है, फिर उसके बाद हमारे साथ में हम शक्कर और बेसन भेजेंगे अलग से, और थोड़ा इमली का पानी देंगे, तो ये चीज़ें देनी ज़रूरी है, थोड़ा स्ट्रेस में पशु ना रहे, क्योंकि ये लिक्विड चीज़ें से क्या होता है, जैसे बाहर जाके गाय कम पानी पीती है, तो अगर लिक्विड चीज़ें ये दे रहे हैं तो ये पानी की डिहाइड्रेशन नहीं होती, जैसे हम बोलते हैं ना आदमी को पानी की कमी हो गई उससे पीलिया हो गया, अगर ये चीज़ें हम ठंडी देती रहेंगी तो इसके इनके लीवर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर लीवर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये गाय जाते स्ट्रेस से बाहर हो जाएगी और खाना पीना शुरू कर देगी। अब ये वहाँ जा करके तुमको फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठाते रहना? नहीं, मेरी बात चलती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत, इनको कोई समस्या आएगी तो? समस्या वैसे ये यंगस्टर बछड़ी है जल्दी आएगी नहीं। इनको थोड़ा नींबू का अचार तो दे दो। नहीं, वो बताया इनको सुबह भी दिखाया, वो दे के भी भेजेंगे। अच्छा, अभी आप जो पीछे आपने वीडियो, ऐसा नहीं है कि ये 2 साल पहले वीडियो, अभी भी हम अपनी गाय को देते हैं, आपको मैं दिखा भी देता हूं, लाइव दिखाता हूं। अच्छा, अभी वो भी खत्म होने वाला है पर फिर भी दिखाता हूं। उनसे बहुत जानकारी मिली लोगों को, ये भी उसी लॉट में है। हाँ जी, इसका भी आप देखो अपना कान में क्या लिखा है, कौन सी ब्रीड की है, 40120 डेनमार्क। ये जो नए सीमन आए हैं इनके ऑर्डर जो है बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते हैं और 40 में होते हैं। 40 लीटर दूध देगी तब भी ज्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं दिखाती, नहीं देती, पहले ज्यादा बड़े थे, तो उसमें इनको कुछ आराम हो गया? आराम ऐसे कि स्ट्रेस थोड़ा कम रहता है, जब ऑर्डर थोड़ा लटक जाता है ना, जब ये चलती है तो ऑर्डर पैरों के बीच में लगता है, तो गर्मी के टाइम पे अगर जितना बड़ा ऑर्डर होगा उसको में स्टेटस की ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बीमारी से बचाव रहे, बीमारी से बचाव। तो अब इसका कितना दूध हो जाएगा? दूध ये जो बछड़ी हमने बहुत ज्यादा अच्छे फार्मर से ली है, ये तो सिर्फ इसलिए कम रेट में मिली, एक तो उन्होंने सैलरी डालना था, दूसरा ये अभी 4.5 से 5 महीने की प्रेग्नेंट है सभी बछड़े तीनों। अच्छा, और लगभग इनका मिलकर जो मदर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उसके हिसाब से इनको 35+ चलना चाहिए, चलना चाहिए 35+। तो इनसे पता करेंगे फिर? हाँ जी, तुम्हारी बात कितनी सच है? देखो जी, इनके पास भी आपका नंबर भी है, मैं आपको इनका नंबर भी दे दूंगा, और चाहिए तो आप ऑनलाइन बोल भी सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं, ये खुद भी बोल सकते, कोई हैदराबाद में भी इनको फोन करके 2 महीने बाद 4 महीने के बाद पूछ ले, कोई बाद में इनमें से कोई गाय खाली भी निकल जाए, एक खाली है, 11 में से एक खाली ये है, तुमने जो बात कही 11 में से एक खाली है, कभी और कोई भी खाली निकले कोई भी कस्टमर पूछ ले, जो तुमने बैठा हूँ फोन नंबर देने की बात जो कही है, हाँ जी, ये एक पारदर्शिता की पहचान, मेरे को जो डरेगा पहली बार नंबर नहीं देने देगा, जो डरेगा वो हमको साथ में लेके बाहर नहीं जाएगा, जो डरेगा वही बात है अंकल जी। अभी इन्होंने जो गाय ली है, जो गाय है मेरे को भी मालूम है ये कौन से रेट की गाय है, ऐसा रेट कोई भी नहीं, हर आदमी नहीं दे सकता। मैं जो बात कर रहा हूँ, जो डरेगा वो ज्यादा सब्जुवाग दिखाएगा, जरा से आप उसी करेंगे, क्यों, उसने अधिक मुनाफा कमाना होता है। कंट्रोवर्सी हर जगह कोई ना कोई हो जाती है, हम जानते हैं कि कारण दूसरे की भी गलती होती है, ये कोई जोरी नहीं है। देखो ये खुद समझदार है, खुद फार्मर है, इनको भी मालूम है, देखो पशु है, बीमार हो जाए मर जाए वो भगवान के ऊपर है, अगर वो ठीक है अच्छे से खा पी रहा है
और तब दूध ना दे तो हमारी गलती है, और बीमारी के कारण कुछ हो जाए उनको भी पता है, क्योंकि ये खुद फार्मर है, खुद किसान भी है, वो कभी ऐसी बात नहीं करता। चलो क्यों राजेंद्र भाई, आप भी बोल दो कुछ, बात सही कि नहीं? सही सही। हाँ, 40-127 लिखा। हाँ जी, कितने महीने प्रेग्नेंट है? ये 4.5 महीने की प्रेग्नेंट है। तो रेडी, आप लोगों को तसल्ली है प्रेग्नेंट है? चेक करवा लिया सर? चेक कर लिया, पूरा चेक कर लिया, एक ही खाली नहीं। तो कई बार ये कहते हैं ना कि यहाँ से कहते हैं चेक करवा लिया, वहां जाके फिर कहते हैं खाली निकल गई, तो फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। अब तुमने यहाँ अपने सामने चेक करवाया? हाँ, मेरा सामने चेक किया। तो क्या बोते हो वहाँ पर, खेती किस चीज की होती है? खेती क्या चीज़? क्या क्या बोते हैं, क्या होती है फसल, क्या होती है? चावल डालता हूँ। चावल खेती का काम, उसके लिए सुपर ने पेरे मक्का है। अच्छा, मक्का। तुम लोग साइलेज अपना बनाते हो? खुद नहीं बनाता, दूसरे से लेता। ले तो क्या रेट मिलता है? अगर 60 रुपया के पर केज में। 60 रुपया? तो अगर यहाँ से ले जाओगे फिर क्या रेट पड़ेगा इनको? 5 रुपया। कल यहाँ से ले जाएंगे क्या रेट पड़ेगा? यहाँ पे सेले जाएंगे जी, इनको इनके घर तक 9 रुपए के आसपास पड़ेगा। 9 रुपए तो इनको वहाँ 7 रुपए मिलता है। हाँ, पर अगर इधर से लेके जाएंगे तो है ना, अंकल उधर मिलता है तो वो सही है ना। उधर 7 रुपए का बहुत पड़ जाएगा ना। उधर से भी मेरा घर पे नजदीक नहीं मिलता, उधर से भी ट्रांसफर होता है, उधर भी 9 रुपया होता है घर का, वो भी 9 रुपए ही पड़ेगा। 9 रुपये पड़ेगा, 4 रुपए किलो खर्चा पड़ जाता है ट्रांसपोर्ट का। सैले जो दिलवाते हो गारंटी होती है? पहले जो अभी इनको मंगा के दिया है, गाय अच्छे से खा रहे हैं, उसमें दाना नहीं, तुम उनसे मिले बढ़ते हो ढंग से? नहीं, हमारे को कोई लेना देना। अच्छा, हम तो ये कहते हैं जितना सस्ता मिलेगा कस्टमर को, उतना वो ज्यादा खिला सकता है गाय को। अगर ज्यादा खिलाएगा तो वो गाय दूध ज्यादा देगी तो नाम अपना बनेगा। अगर हम उनको महंगा लेके देते हैं तो उसमें ये कम खिलाएंगे, क्योंकि इनको भी पैसे का रहता है कि भाई महंगी चीज है कम खिलाएं। अगर सस्ती मिलेगी, जितनी सस्ती मिलेगी उतना ये ज्यादा खिलाएंगे तो इनको फायदा। अब ये 11 गाय ले जा रहे हैं, कितनी फीड चाहिए रोजाना इनको? 37-35 लीटर दूध वाले। अभी तो देखो जी, 2-2.5 महीने तो इनको फीड का खर्चा कम होगा। कम होगा, अभी इनको 4-5 किलो के आसपास पूरे दिन में चलेगा एक एक गाय को, बाकी 55 किलो के लाभ। ब्याने के बाद? ब्याने के बाद समझो इनकी यही एवरेज आ जाएगी, बछड़ी क्योंकि बड़ी बड़ी बछड़ी है तो लगभग आप लगा के चलो 10 किलो। हाँ जी, 10 नहीं, इनको कम से कम 140 किलो फीड चलेगी पर फीड। अच्छा, 14-15 वो 2.25 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, हाँ जी, 2.5 गुना नहीं, 2.25। 2.25 गुना बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, तब हम दूध की उम्मीद कर सकते हैं, तब दूध की उम्मीद। समझ लो सब, ये अगली आ गई। हाँ जी, तो कितनी देर की प्रेगनेंट है ये अंकल जी? अपना 15-12 की है, 6 महीने के ऊपर प्रेगनेंट है। कौन सा सीमन की? हैमर इसको लगा हुआ है, ABS का, नॉर्मल है, सेक्सर सीमन नहीं है। अच्छा, और जितने भी हमने 313 वाला सौदा किया था उसमें किसी को सेक्सर। ये क्या दाम की है ये? हमने 75 की गिन के लिए। 75,000 है तो ये कम हो गया। ये 6 दांत है अंकल जी, अगर हम बोलने को 4 दांत बोल दे, 2 दांत बोलते आपको दिखाया नहीं, पर 6 दांत है। तो समय ले रही है? समय अपना 6 महीने की प्रेगनेंट है, 3 महीने बाकी है। तो देर से? हाँ, देर से प्रेगनेंट हुई है, पर ये अपना दूध अच्छा देगी। कितना दूध है? 35 लीटर के आसपास। तो क्रॉस में है कुछ? क्रॉस में है तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी हल्का सा आप कह भी लो, पर ब्रीड अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। पहले के मुकाबले कम है? पहले के मुकाबले थोड़ा कम है, इसलिए रेट भी कम है। हाँ हाँ जी, रेट का भी काफी फर्क है, 75,000 की 75,000 की। अच्छा, अब तुमने अब रास्ते का जो है कि पानी का क्या इंतजाम रहता है, कैसे पिलाना चाहिए? पानी का तो देखो, जो अगर आपकी लेबर अच्छी है तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 11 घंटे वैसे स्टे करना चाहिए पहले तो गाड़ी वालों को। अच्छा, क्योंकि सुबह इतना करते हैं? हाँ, तो उसको भी जल्दी रहती है ना। 6 बजे तक तो आपका माल उतरना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसको 7 बजे सभी गाय को पानी पिलाएं। हाँ। उसके बाद 2 घंटे गाय पूरा बैठने दो, रेस्ट करने दो। उसके बाद आप इसको अपना जैसे हम गुलका बूस्ट हो गया, लिवर टॉनिक हो गया, कैल्शियम हो गया, ये हम मिक्स करके दे सकते हैं। और उसके बाद अपना 2 घंटे के बाद इसको शक्कर और बेसन दे दो पानी के साथ। फिर 3-4 घंटे के बाद इनको थोड़ा जो खाना है खा लेती है, फिर उसके बाद पानी दिखा दो। पानी दिखाने के बाद इसको फिर अपना शक्कर और बेसन दो दोबारा, क्योंकि दिन में लगभग आप जब स्टे करते हो 3 से 4 बार पानी आपको दिखाना पड़ेगा।
खाए काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पानी नहीं कम होना चाहिए, पानी नहीं कम होना चाहिए। तो हमने पानी अगर कम हुआ तो आप समझो आपकी गायें समझो कुछ भी बीमारी में जा सकती है, कोई भी बीमारी। जब हम तुमको लेके गए उनको वहाँ दिखाने के लिए, तो हमने देखा कई जगह गायों में वो चमक नहीं थी जो अपने यहाँ पर होती है। उसके कारण थे अंदर जी, तीन चार जगह जो हम गए थे, कई जगह पे तो बहुत अच्छा था, हमारे इधर से भी गायें अच्छी रखी थी, पर जगह काम ये था उन लोगों ने किया जो अपना सैलेज, हमने जो उस पर बात चली है हमारी काफी, उन लोगों ने जो सैलेज बनाया था वो बिल्कुल बेकार कर दिया था, क्योंकि उसमें ना न्यूट्रिशन वैल्यू थी, क्योंकि एकदम पूरा ड्राई हो चुका था, वो दाने निकाल लिए होंगे भुट्टा। नहीं भुट्टा तो था, पर वो उन्होंने खुले में बनाया हुआ था, वो पैकिंग आपने देखी थी सब। हाँ, तो उसमें वो सैलेज का काम नहीं बन सकता। अच्छा, क्योंकि उसको प्रेस पूरा होना चाहिए सही, अपना सही जो उसका सिस्टम है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ मक्के को स्टोर कर दिया तो वो सैलेज बन गया, ऐसा नहीं। क्योंकि उसमें ड्राई जो बिल्कुल ड्राई हो गया उसमें थोड़ा भी न्यूट्रिशन काम नहीं रहा। जैसे हम अभी आपको मैं दिखाता हूँ जो ये सैलेज है, आप इसमें आप हाथ लगाएंगे तो इसमें नमी दिखेगी, नमी तो है नहीं सैलेज में, तो वो खाली सिर्फ गोबर के काम ही रह गया ना। जो उसके अंदर मक्का है वो भी एकदम हार्ड हो जाता है, पत्थर जैसा सूख जाता है, तो वो भी दूध नहीं देगा। जो उसके अंदर तो जैसा खाएगा वैसे निकल जाएगी मक्का, उसका बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, जब आपने दबाया तो उसके अंदर से दबना चाहिए, और आप समझो दबना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मक्का उसमें पत्थर बन जाए, वो जो उसके पत्ते हैं वो सड़ जाए सूख जाए, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू क्या करेगी। वो शरीर को अक्सर गोबर ही निकाला ना, फाइबर दिया फाइबर बाहर निकाल दिया, उसका कोई काम नहीं। चलो बहुत बड़ी बछड़ी है जी, कीमत भी मोटी, हाइट पूरी है, कीमत भी मोटी, मुंह बहुत लंबा है, सबसे ज्यादा लंबा, सबसे हैवी ब्रीड में। कौन से सीमन की है? हाँ जी, कौन से सीमन? ये वर्ल्ड वाइड के सीमन की है, अंटार्कटिक का वर्ल्ड वाइड सीमन। कितनी देर की है प्रेगनेंसी? ये 7 महीने के ऊपर है प्रेगनेंट, 7 महीने से ऊपर। हाँ जी, ऊपर निकल गई, ऊपर है, 7 महीने के प्लस है। तो कितना मतलब कि दाम क्या है इसका? दाम हमने लिया जी 1,27,000 की। इतनी महंगी क्यों? क्वालिटी के ऊपर। खूबियाँ गिना दी? खूबियाँ नहीं है अपना 17 को, और अपना दूध भी ये 45 प्लस चलेगी, 45 लीटर पहले भी तो। अच्छा, इनके उधर 40 तो बड़े आराम से देना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है। आपको लगता है इतना दे देगी? पहले आपके पास है इतने दूध वाली? नहीं, से आपके पास है? नहीं नहीं। कितने दूध वाली है आपके पास पहले? 15-20 तक। 15-20 वाली, तो अब ये ज्यादा दूध वाले ले जाते। तो पहले जब भैंस ले गए थे तो क्या भाव पड़ी थी? दूध ज्यादा नहीं दे रहा है, दूध ज्यादा नहीं दे रहा। नहीं, रेट क्या पड़ा था भैंस का? 45 से 50 तक है, 45 से 50 तक दिया रेट। रेट 1,00,000 दूध भैंस का रेट है? हाँ, भैंस का रेट ज्यादा हो गया, वो हरियाणा में से लेके गया ना, 1,50,000 की। तब भी सक्सेस नहीं है? सक्सेस नहीं, दूध का रेट कम था उधर। अच्छा, भैंस का रेट का, भैंस का दूध का रेट कम था। चलो ये अगली आ गई। हाँ जी, ये लास्ट गर्मी गाय। कितने दूध वाली है? दूध ये 25 लीटर वाली है, दूसरा लीटर है। क्रॉस है? हाँ, फल का क्रॉस है, है। आपका क्या नाम है? भावेश। भावेश, भावेश रेड्डी। कितना पढ़ते हो? डिग्री सेकंड है। डिग्री सेकंड में? बीकॉम कर रहे हो? बीकॉम। कितनी गाय ले जा रहे हो? 11। तुम 11 ले जा रहे हो? भाई का ले। नहीं, तुम दूध बेचने ले जा रहे हो खुद पीने के लिए? बेचने के लिए। खुद नहीं पियोगे? पियेंगे। तो ये ऐसे भी होगी? देखो इतने ताकतवर हो, वैसे देख कर डर लगता है पहलवान हो। अरे कितना दूध इसको पीना चाहिए भाई? तेरे पास आएगा कितने देर में तंदुरुस्त कर देगा? मैं तो लस्सी से बड़ा कर दूंगा इसको, लस्सी। खाते पीते नहीं हो? तो क्या दाम की है ये गाय? ये 60,000। 60,000, 25 लीटर दे देगी। हाँ जी। ब्याज कौन सी है? दूसरा ब्याज है। दूसरा है। कितना समय बाकी है? बस 1 महीना लगा के चलो, 35 दिन। तो ये तो 1,000 तो पहुंच जाएगी? बड़े आराम से पहुंचेगी, कोई स्ट्रेस तो नहीं ले जाएगी? नहीं। कमजोर लग रही है कुछ? कमजोर नहीं, ठीक है जी, अपने हिसाब से ज्यादा वेट नहीं है। अगर जैसे लेग्स, इसकी जो लेग्स की क्वालिटी थोड़ी कम है, अगर उस हिसाब से इसका वेट ज्यादा होता तो नहीं जा पाती, फिर नहीं झेल पाती, फिर नहीं झेल पाती। क्योंकि अगर बड़ी गाय अगर वेट भी है तो इसके लेग्स स्कोर बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके बारे में समझाते रहना। हाँ जी, जरूर जी, जरूर। तुम्हारा भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा।
मतलब कि कुदरती शक्ति है, नाक जो खुद से तेल लगा रही है अपने नाक में खुद ही, वो जो अचार वाला तेल है अपने नाक में ले रही है, नहीं चारा खाएगी तो नहीं लगाती है। और उससे इनकी जैसे अपना खाने की जो लीवर की कैपेसिटी वो भी बढ़ेगी। अच्छा, तो कितना दे सकते हैं ये अचार एक दिन में? बस जितनी आपने अभी हमने एक प्लेट में लिया, ये एक गाय को एक दिन, इनको समझा दिया सारा? हाँ, इनको समझाया, अभी इनको वो लिखवा के देंगे, ये घर पे जाके डालेंगे। अच्छा, तो इनको वीडियो का लिंक डाल देंगे। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।